सो गाइस, अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है जो कि वीवो का है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये हमारा फोन है और ये वीवो का Y11 फोन है। तो इस फोन का जो कस्टमर है वो पासवर्ड भूल चुके हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो इसका जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए, सेकंड दिखा रहा है और इसका पैटर्न अभी कस्टमर भूल चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये बहुत बार ट्राई किया गया, इसके वजह से सेकंड दिखा रहा है। तो इसका पैटर्न अभी अनलॉक करेंगे हम और आपको बताएंगे कि कैसे इसका FRP और पासवर्ड दोनों को अनलॉक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी बताऊं। किसी भी फोन को अगर आपको अनलॉक करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस फोन के अंदर CPU कौन सा लगा है। तो इस फोन में लगा है क्वालकॉम का CPU, मीडियाटेक, क्वालकॉम और स्पेक्ट्रम, ये तीन ही जो कंपनी का CPU है जो अभी सबसे ज्यादातर, मतलब इस फोन में जो भी फोन है उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों कंपनी का CPU लगा रह रहा है। तो इसमें लगा है क्वालकॉम का। तो क्वालकॉम के लिए हमको क्या करना है कि ये अपना UMT, पहले इसको हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। इस तरह के बहुत सारे टूल आते हैं, UMT अनलॉक टूल या फिर हाइड्रा डोंगल टाइप का, ये सब आते हैं। इससे आप किसी भी को खरीद के, और सबसे बेस्ट UMT प्रो रहता है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मार्केट में यही चल रहा है। और जिस चीज को हम खरीद रहे हैं और उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उससे जुड़ी हर चीज का वीडियो, हर चीज सुविधा, हर चीज मतलब हमको ज्यादा मिलता है। तो कोई प्रॉब्लम आने से हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपको ऐसा मोबाइल ही खरीद लिए जिसका कोई पार्ट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्या करेंगे वो लेके? यूनिक मोबाइल है लेकिन पार्ट अवेलेबल होगा तभी तो कुछ खराब होता बनाओगे। उस टाइप से जो भी चीज आप खरीदिए, देखिए मार्केट में उसका डिमांड है, मार्केट में वो सबसे ज्यादा चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि उसका पार्ट अवेलेबल हमें आसानी से मिल जाता है। जो भी फोन मार्केट में ज्यादा चल रहा है अगर उसको हम खरीदेंगे तो उसका पार्ट भी हमें आसानी से मिलेगा, खराब होने से हम तुरंत बना पाएंगे। तो सेम उसी तरह से UMT भी आपको लेने के लिए से मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि UMT हमेशा मतलब ज्यादातर मिल जाता है। खैर छोड़िए, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि इसको हमको अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले इसमें क्वालकॉम CPU, तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें EDL पॉइंट शॉर्ट करके ही इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो EDL पॉइंट शॉर्ट करना है तो हमें इस फोन को करना है ऑन। तो अभी हम अपना QC फायर खोल लेते हैं पहले। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि अपना जो UMT है कभी कभी अपडेट मांग देता है बीच बीच में। आपने अपडेट करके रखा है लेकिन फिर भी कभी कभी अपडेट मांग देता है। तो आपको सिंपली अपना जो UMT का कार्ड मैनेजर है उसको जाना है जहां पे भी आप रखे हैं, क्योंकि हमारे लैपटॉप में एंटीवायरस है तो क्या उसको हटा देता है। जैसे एंटीवायरस चालू होता है कार्ड मैनेजर को ही हटा देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको अनजिप करके, मतलब नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है। जब जरूरत पड़े अनजिप करिए उसको और उसको एक बार अपडेट करके फिर अपना काम चालू कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमारा ये QC फायर खुल चुका है और हमें क्या करना है मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा फोन है और थोड़ी सी और मैं अच्छे से दिखाऊं। तो अभी आपको पहले यहाँ पे रीड इन टूल पे जाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना वीवो। तो मुझे वी दबाना है और यहाँ पे आ गया हमारा वीवो और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है वीवो का मॉडल, क्योंकि ये वीवो Y11 है। तो ये रहा हमारा Y11। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये फोन अभी अनलॉक हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे दिया हुआ है जो कि दिखा रहा है कि 2 से 5 मिनट तक इसे खुलने में समय लग सकता है। तो आपको क्या करना है, केबल निकाल करके और इस फोन को जब आप ऑन करेंगे तो ये फोन थोड़ा खुलने में टाइम लेगा। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कितना समय लगता है। मैं आपको बताऊँ की इसका जो पोर्ट था वो चूंकि बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, ये फोन जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाया। बहुत बार मैंने ट्राई किया तब जाके कनेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ तब जाके ये फोन अभी ये मतलब मेरे PC से कनेक्ट हुआ है। और अभी फाइनली फोन अनलॉक लेकिन हो चुका है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा फोन जो है वो अनलॉक हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, यहाँ पर दिया है स्टार्ट 2 से 5 मिनट इसको लग सकता है इस फोन को खुलने में, क्योंकि ये यहाँ पे पहले ही शो कर दिया है। तो यहाँ पे अभी देखिए, ये दिखा है क्लियर डाटा करने के लिए और यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे देखिए डाटा वाइपिंग होने लगा। ये फोन को खुलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है।
आपने देखा कि इसका पोर्ट खराब होने की वजह से मैंने बहुत बार ट्राई किया तब जाके हमारे पीसी से कनेक्ट हुआ, नहीं तो ये पीसी से हमारे कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब भी आपका ये पोर्ट में हो तो थोड़ा सा बैटरी पिन निकाल के इसके पोर्ट के अंदर थोड़ा सा ब्रश वगैरह से साफ कर लें और पीसी से कनेक्ट करें, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते समय कि ये कितने बार प्रॉब्लम दिया मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो मैंने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दिखाया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो वीडियो बनाते हैं उनका एक ही बार में आपका काम हो जाता है, उसमें क्या होता है कई बार कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सिर्फ एक बार आपको प्रॉब्लम दिखाया है जबकि ये मेरे को कई बार प्रॉब्लम आया, बार बार वही प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैंने इसको कई बार ट्राई किया और अच्छे से पोर्ट को साफ करके लगाया तो फाइनली हमारा फोन अनलॉक हो गया। और अभी आप देखिए यहाँ पे 2 से 5 मिनट समय मांग रहा है, उतने देर तक हमको वेट करना है, उसके बाद से ये आपका जो फोन है Vivo Y11 ये अनलॉक हो जाएगा। और ये मेथड इसमें यही वाला वर्क करता है, Vivo Format FSFRP, इसी पे आपको इसको अनलॉक करना है। सो गाइस अभी आपका जो ये फोन है फाइनली अनलॉक हो चुका है। और आप देखिए सारा फंक्शन यहाँ पे FRP और इसका पासवर्ड दोनों ही अनलॉक हो चुका है। अभी ये ना तो पासवर्ड मांगेगा और ना ही FRP। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और कभी भी आप किसी भी फोन को जब अनलॉक कर रहे हैं तो चोरी के फोन को अनलॉक ना करिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।